लाल कपूर। सोहन लाल। यस सर। रहीम खान। यस सर। सोन डिसोजा। यस सर। रामलाल। यस सर। रामलाल। यस सर। तो रहीम भी तुम हो, राम भी तुम हो। सर, एक दिन आप ही ने हमें पढ़ाया था, राम और रहीम एक ही भगवान के दो नाम हैं। बताता हूँ, तेरे कितने नाम हैं? मैं राम को ठीक करूंगा। गुफाएं हैं, तुम में से कोई उधर नहीं जाएगा, वहां जाना खतरनाक है। नंबर दो, वो जो सामने खंडर है उसमें भूत रहते हैं। हाँ, इसीलिए लोग उसे भूत घर कहते हैं। तुम में से कोई विद्यार्थी उधर नहीं जाएगा, समझ गए? जाओ, 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 खेलो, जाओ। मेरा, अरे तेरा ध्यान किधर है? तुम और मैं इकट्ठा खेला करेंगे, मैं बहुत से खेल जानता हूँ, समझे? कौन है ये कबूतर? कल ही आया है स्कूल में, बड़ा रुबाब जमा रहा है वैनी पर। चलो रानी, जोरल को तो खेलो। चलो। हाँ, तो कोतवाल कौन बनेगा? कोतवाल मैं बनूंगा, रहीम चोर और तुमसे सिपाही। तुम क्यों? मैं बनूंगा कोतवाल। कोतवाल मैं बनूंगा। हाँ। मैं कोतवाल। मैं कोतवाल। कोतवाल मैं। ठहरो, कोतवाल वो बनेगा जो सबसे ज्यादा बहादुर और निडर है। मैं शेर से भी निडर था। मैं भी नहीं डरता। फैसला करने का एक ही तरीका है, जो बहादुर है और नहीं डरता वो भूत घर में चले। ओह गॉड, भूत किसी को चिमट गया तो बस उसकी छुट्टी। क्यों, डर गए सारे भूत से? मैं भूत से नहीं डरता, मास्टर जी से डरता। डरपोक नंबर वन आउट। चलो हम भी चले।
भूत क्या? मैं भूत के बाप से नहीं डरता। तुम भूत के बाप से नहीं डरते? मैं तुमसे नहीं डरता। तो फिर चलो। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। तो तुम जाओ, चलो। और अगर मास्टर जी को पता चल गया तो चुपके से उन दरख्तों के पीछे हो चलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो चलो, तुम भी चलो। डर गए? डरा नहीं, ड्रामा करो। नारियल, भूत अगर आ जाएगा तो फिर करोगे क्या? अरे आ, अरे आ। ने पकड़ लिया तो फिर करेंगे क्या? अरे जा, अरे जा, अरे जा। चलो मास्टर जी के पास। Darling, my wife. Hello. Hi. How beautiful you are. हाँ मत लगाना मुझे. You want to ruin my beauty? Get out. ऐसा मत कहो, darling. Tom picnic से वापस आ जाएगा तो मुझे फिर से daddy बनकर बैठना पड़ेगा. रात को भी वही मुसीबत. Darling, अपनी और मेरे bed के दरमियान तुमने Tom का bed लगा दिया. अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बताऊँ? बताओ. तुम? एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हाँ, मैं मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में जाना चाहती थी, तुमने मुझे मिस यूनिवर्स से माँ बना दिया। कितनी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मेरी वेस्ट लाइन 26 इंच की थी, तुमने उसको 58 कर दिया। यू आर ए बिग बीस्ट। मेरे सारे चांसेस खत्म कर दिए। मुझे पूरे 10 साल लगे हैं। 10 years. किस लिए? अपनी वेस्ट लाइन को ठीक करने के लिए। मम्मी, मम्मी। आओ आओ। मम्मी, शट अप। क्या हुआ मम्मी? फिर वही नॉनसेंस। कितने दफे कहा है तुमको कि दूसरों के सामने मुझे सिस्टर कहा करो। सिस्टर? मदर को सिस्टर? व्हाई? इसलिए कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती हूँ और नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं मिस नहीं हूँ। यू आर मैरिड। यू हैव नो मैनर्स एट ऑल। जब मैं टॉम से बात कर रही हूँ तो बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती। ये प्रूफ है, कोर्ट में डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्या? डार्लिंग, जिनके माँ बाप नहीं वो उनके प्यार को तरसते हैं। मेरे मम्मी डैडी दोनों हैं मगर मुझसे प्यार नहीं करते, आपस में लड़ते रहते हैं
ओ गॉड हैव मर्सी ऑन अस। माँ कितनी प्यारी होती है और हम दोनों की माँ नहीं है। रहीम बेटे। अब्बा। रहीम। अब्बा। जी आशा। अब्बा आज हमने बहुत मजा किया। अच्छा हाँ। नमस्ते असन अंकल। जीते रहो बेटा, आओ चलो तुमको घर तक छोड़ दूँ। थैंक यू अंकल। अरे बेटा थैंक यू किस बात का, तेरा बाप श्यामलाल जिंदा होता तो तू टांगे की बजाय गाड़ी में सवारी करता। चलो आओ बैठो। चलो 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 अब्बा। हाँ। आज मैं आया। अच्छा बेटा आ जा। अरे वाह बादशाह, चाल दिखा दे बच्चू। हाँ वो लुंगी वाले जैसा। हाँ हाँ निकला बादशाह। अच्छा 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 बेटा। हाँ अरे छोड़ मुझे। क्यों मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्या? ये कैसा प्यार, किसी दिन मेरा दम घुट के रह जाएगा। अरे वहां खड़ा क्या कर रहा है? ना मेरे पिताजी की जान जाती और ना मेरी मां मरती। ये आज तुझे क्या हुआ है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? तू इतना सा था जब तेरी मां मरी थी, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किसने किया? बोल, मैं तुझे प्यार नहीं करती। हाँ लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि और बच्चों के माँ बाप करते हैं। मैं ये घर छोड़ के भूत घर में चला जाऊंगा। भूत घर? मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता, मैं उसके अंदर अकेले घूमने भी गया था। तू जानता नहीं किसी भूत प्रेत ने तेरे पिता की जान ली थी? लेकिन लोग कहते हैं मेरे पिता का खून किसी आदमी ने किया था। अगर किसी आदमी ने किया होता तो पुलिस आज तक उसे पकड़ न लेती। और जो कुछ मैं कहती हूँ वो तेरे दिमाग में नहीं आता, कान खोल कर सुन ले। अगर फिर कभी उस टापू की तरफ गया तो रस्सी से बांध कर उल्टा लटका दूंगी। हाँ समझा? चल भाग, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल ले। हे भगवान मैं इस बच्चे का क्या करूं? मैंने अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था मैं राम को अपनी जान की तरह संभाल कर रखूंगी। इसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन ये इतना निडर और लापरवाह है, मेरी जान कांपती रहती है। इसे कुछ हो न जाए, इसे काबू में रखने के लिए मुझे अपना मन मारना पड़ता है। मेरे दिल में ममता का समुंदर है जिसे मैंने बंद कर रखा है। डरती हूँ ज्यादा लाड़ प्यार से ये बिगड़ न जाए। मेरे राम की रक्षा करो भगवान, मेरे बच्चों को ज्ञान दो। अरे नंबर वन। नंबर टू। मेरे लिए जल्दी से डबल पैक लेके आना। अरे तुम गोल कुंडा ही पिला दो। अरे कभी कभी अंग्रेजी भी पी लिया कर। अबे लाड फाकलैंड की औलाद, जो अपने देश से प्यार करता है ना वो देसी ही पीता है। तू अंग्रेज की औलाद है तो अंग्रेजी ही पिया कर, समझा? अरे दारू कम पियो और पत्ते ज्यादा खेलो। बिहारी लाल जी मैं दारू कम पीऊँ या ज्यादा आपको इससे क्या, मैं अपना गम गलत करने के लिए पीता हूँ। अरे तेरी तो बीवी कभी की मर चुकी है, तुझे किस बात का गम? अपनी गरीबी का, गरीबी में बीवी का साथ था वो तो चल बसी, अब पत्तों का साथ है। और पत्तों में मैं इतना हार चुका हूँ कि अपना मकान तक नेकी राम के पास गिरवी रखा है, इसलिए मकान का गम। नेकी राम आ रहा है। दो महीने से नेकी राम को ब्याज का पैसा नहीं दिया है इसलिए ब्याज का गम। अब इसका भी गम खाओ और दारू पियो। बस सोडा नहीं चाहिए। आ,
अब हुई ना कुछ बात, नंबर वन जरा इन पत्तों को भी अपने दिल से हाथ लगा दो। ये रो अपने अपने तनख्वाह, हमें ज्यादा रुपया चाहिए। बॉस का यही हुक्म है। फिर हम धंधा नहीं करेंगे। क्या पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मार हम लाते हैं, बॉस क्या करता है? सिर्फ मुनाफा खाते। हमें नहीं मुनाफे में हिस्सा चाहिए। ना काफी है कि और भी चाहिए? बॉस ये कहते हैं अगर हमें ज्यादा रुपया नहीं मिलेगा न हम धंधा करेंगे न हम माल लाएंगे। तुमने कहा? नहीं बॉस, मैंने नहीं, कुंदन ने। कुंदन? कुंदन नहीं कह सकता। कुंदन जानता है कि हमारे पास माल बनाने का और भी तरीका है। कुंदन जेल से भागा हुआ कैदी है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम का ऐलान कर रखा है और हम जब चाहें उस इनाम को हासिल कर सकते हैं। क्यों कुंदन? मेरा गिलास बनाओ। तुम्हारा दाना खाओ और अब मैं मेरा दाना खाऊंगा। अब्बा अब्बा भर दो मेरा डब्बा। अबे डब्बे के बच्चे, क्या बंदर की तरह नाश्ता हुआ आता है? रोज रोज पैसे डाल के मेरा हाथ थक गया इसमें। चल अब्बा। अबे बेटे, महीने के बाद सारे पैसे एक साथ डाल दूंगा। अगर ऐसे चलते रहा ना, तुमने जो मकान गिरवी रखा है ना नेकीराम के पास, एक ना एक दिन अपने हाथ से निकल जाएगा। क्यों बे, आजकल तेरी जबान बड़ी कैची की तरह चल रही है, बात क्या है? चल जाके खाना पका। हंडी अब फुदक फुदक कर रही है, आप जल्दी से मुंह धो के आइए, मैं खाना लगाता हूँ। अबे वो घोड़े चौला जीदा, इधर तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? तो फिर तू ये हुक्म किस पर चलाता है? तू खाना खा लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, उठो बैठो, चल जाके बादशाह को पानी पिला। आओ रानी, स्कूल चले। मैं राम का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, राम में कोई खास बात है? ए, बताओ तुझे। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नाक खुला के किसे बताता है? तेरा नकड़ा पकड़ा बना दूंगा। बैंगन का आज है। दांत क्या दिखाता है? एक मुख कर दूंगा, ये 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। फिर तेरा मुंह। अगर मैं चाहूँ तो तुम तीनों को यूं खत्म कर सकता हूँ। अबे हम तीनों मिलकर तेरी चटनी बना देंगे। तीनों की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही इसे ठीक कर सकता हूँ। ये बात है। हिम्मत है तो इस लकीर के आगे आगे देख। तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? जा जा बुजदिल कहीं का। तुझे बुजदिल कहते हैं? बड़ा आगे कदम। कमीज में, अरे मैं बदल कर आता हूँ।
मेरी हाजिरी लगवा देना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देख लूंगा राम के बच्चे को। ए खबरदार, जो राम के खिलाफ कुछ भी कहा तो राम, टॉम और रहीम तीनों एक हैं। मुझे अपने कपड़ों का ख्याल ना होता तो राम का कचूमर कर देता। कचूमर कर देता, फट। कचूमर कर देता, चल फट। बच्चों बताओ, एक बाल्टी में 4 गैलन पानी आ सकता है। उसे जिस नल के नीचे रखा गया है वो नल 1 मिनट में 1 गैलन पानी देता है, लेकिन बाल्टी के पैंदे में सुराख है जिसमें से 1 मिनट में 1/4 गैलन पानी बह जाता है। बताओ बाल्टी कितनी देर में भरेगी? रहीम खान तुम बताओ। सर वो कोई बेवकूफ होगा जो टूटी हुई बाल्टी में पानी भरेगा। तुम्हारा मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? यस सर। हाँ नो सर, सवाल ही गलत है। अबे गधे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा को भी मैं यही सवाल करवा चुका हूँ, गलत कैसे हो चुका है? इस किताब में छपा हुआ है। किताब की बात और है सर, मेरे भी घर में एक ऐसी बाल्टी है, लेकिन मैं उसका सुराख बंद करके पानी भरता हूँ, बाद में बादशाह को पिलाता हूँ। बादशाह? कहाँ का बादशाह? सर बादशाह नहीं मालूम, रहीम के घोड़े का नाम बादशाह। राम। यस सर। कहाँ थे तुम? ये वक्त है तुम्हारा स्कूल में आने का? बात ये है सर। तुम्हारा सर, सवाल मैं राम से पूछ रहा हूँ और जवाब तुम दे रहे हो, सिट डाउन। सर आज माफ कीजिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी और ऐसी सजा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। आज तुम लड़कियों के बेंच पर बैठोगे। वो जगह खाली है, वहां बैठ जाओ। सो कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। उसका जन्म सन 1451 में जनेवा नामक स्थान में हुआ। उसका पिता डोमिनो को कोलंबस एक साधारण जुलाहा था। आरंभ में कोलंबस ने भी अपने पिता के साथ काम किया। 14 वर्ष की अवस्था में वो समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़ा और लेवंत बंदरगाह तक की यात्रा की। सन 1470 ईस्वी में वो पुर्तगाल चला गया और लिस्बन में रहने लगा। वहां उसने फेलिपा मेनिस से विवाह कर लिया। वो सन 1482 ईस्वी के पुर्तगाल सामुद्रिक खोज दल का भी था। अयो बाबू, क्या है? अपनी बीबी के लिए फूल ले जाना। मेरे पास फजूल पैसा नहीं है। ओई माँ, अपनी सिगरेट में पैसे फूंक सकता है लेकिन बेचारी बीबी के लिए 10-20 पैसे नहीं तेरे पास। काम करना अपना काम, पगली कहीं की। पागल तू, पागल तेरा बाप, तेरी माँ। अरने का फूल दो। लो, ये 2 हार दे दो। तेरे लिए मेरे पास फूल नहीं। क्या कहती है? मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए? मैं खूब जानती हूँ तेरा मंदिर। घर में खूबसूरत बीवी बैठी है और तू उस चुड़ैल के पास मरता है। ले भाग। भाई कमाल है इस लड़की का, कभी तो 1 पैसे के लिए गर्दन पकड़ लेती है और अब पैसे उठा उठा के फेंक रही है। फूलों की तकदीर ही अजब है। वही फूल भगवान के घर जाते हैं और वही वैश्या के घर। मां फूल, चल चल। अरे सुन इधर आ। कैसी मां है तू? बच्चे का दिल चाहा और तू इसे एक फूल भी नहीं दिला सकती? गरीबों के पास खाने के लिए पैसा नहीं तो फूलों के लिए पैसा कहां से आएगा? तुझसे पैसे मांगे किसने? ले, तू मेरे पास से रोज ले जाएगा। हुँ?
प्यारी दिख रही है। बाबा आ गए, चल कौन छुप जाता है। कितनी अच्छी बंसी बजाता है मेरा बेटा, नहीं? बड़ा होकर तानसेन बनेगा, क्यों? चलो बच्चों, अब बाबा को सोने दो, वो बहुत थक गए हैं। नहीं, मैं बाबा के साथ सोऊंगा। मैं भी बाबा के साथ सोऊंगी। ओहो, अब चलो भी। नहीं नहीं नहीं, चलो उठो मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये दोनों यहीं सोएंगे। तुम जाओ सो जाओ अकेले। तुम दोनों क्यों सो? देखो, पिताजी का खत आया है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? ये तो नहीं लिखा, मगर जल्दी आने के लिए कहा है। ठीक है, तो फिर तुम आज शाम को ही चलेगा? उन्होंने लिखा है कि मीरा और सूरज भी मेरे साथ चले। बच्चों को भी ले जाओ, सर जल्दी लौट आना, इनके बगैर मेरा जी नहीं लगेगा। अच्छा बाबा, कल मिलेंगे। अच्छा, सावन आए और नीर बहाकर चले गए, पर तेरे नैनों का नीर अभी तक नहीं सूखा। ले। तो बिना पैसे लिए क्यों जबरदस्ती हर रोज ये फूल दे जाती है? चंदा तुझे ठंडी ठंडी चांदनी देता है, सूरज हंसता हुआ सवेरा देता है, तू क्या उन्हें पैसे देता है? इंसानों की बात और है लाजो, मगर मेरी बात और है। ले। तो एक अजीब पहेली है जो मेरी समझ में नहीं आती। समझेगा कैसे, तूने तो अपनी जिंदगी भी पहेली बना रखी है।
तू गुजरे जमाने की परछाइयों में घिरा है काशी, इन परछाइयों से निकल के तो देख। तू क्यों परेशान होती है मेरे लिए? तू खिलौने बनाता है काशी, उसी माफिक भगवान के हाथों में हम भी खिलौना है। वो खिलौने बनाता भी है और उन्हें तोड़ता भी है। नहीं लाजो, ये नहीं हो सकता। खिलौने बनाने वाला तो अपने खिलौनों से प्यार करता है, उन्हें तोड़ता नहीं। जाता है चाचा, दिन डूबता है और तुम आंसू में डूब जाते हो। तुम्हारा गीत और बंसरी भी उदास हो जाती है। बोलो ना चाचा, क्यों? दिन में तुम कितने खुश रहते हो, कितना हंसाते हो, कितना हंसते हो। बच्चों, दिन में तो तुम सब मेरे पास रहते हो। तुम्हारा बचपन फूलों की तरह हंसता है और मैं भी हंसता हूं, लेकिन रात को मैं बिल्कुल अकेला रह जाता हूं। कोई नहीं मेरे इस दुनिया में। तुम जैसे मेरे भी बच्चे थे जिन्हें तकदीर ने छीन लिया। कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने से क्या होगा? सोच लिया क्या? हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। कर रहे, बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चा पैदा कैसे होगा? मुझे एक दिन मेरी मौसी ने बताया था कि सवेरे सवेरे खेतों में जाए, जहाँ गोभी के फूल उगते हैं वहाँ बच्चा मिल जाता है। मेरे पिताजी मुझे वहीं से लाए थे। तुम्हारी मौसी ने झूठ कहा। मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, वो कहती है बच्चा गॉड देता है, हमें चर्च में जाकर प्रेयर करनी चाहिए। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मेरे अब्बा कहते हैं बच्चा पहले बंदर होता है। अब्बा मुझे बंदरों में से उठा के लाए थे। मगर बंदर की तो तुम होती है। तुम अब्बा ने काट दी थी। तुम सारे पागल हो, बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से। वो कैसे? पेट फूल के इतना बड़ा हो जाता है। मेरी मम्मी कहती है मेरा भाई होने वाला है। अरे इसका मतलब है हमें किसी औरत से कहना पड़ेगा। फिर तो काम बन गया। तुम एक बच्चा पैदा करके हमको दे दो। अच्छा। अरे नहीं रे, तो फिर क्या करें? आइडिया छोड़ दे बिटिया, तू हर वक्त मेरी देखभाल में लगी रहती है, कुछ अपने लिए भी तो सोचा कर। क्या माँ? कितनी बार कहा है, मेरी तो आंखें नहीं, तुम्हें कोई लड़का देख ले अपने लिए। तू क्यों परेशान होती है माँ? क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा बिटिया। सोचती हूँ ये दुनिया छोड़ने से पहले तेरा हाथ किसी के हाथ में देती जाऊं। मेरी भोली माँ, शादी ब्याह कोई अपने करने से थोड़ा होता है। तो फिर जोड़े तो भगवान बनाता है। नमस्ते लाजवंती। ओए माँ, तुम्हें क्या बावले कुत्ते ने काट खाया है? क्यों आंटी? मुझे पगली आंटी नहीं कहा? तुम्हें पगली कौन कह सकता है? तुम तो हमारी अच्छी आंटी हो। अच्छी आंटी हूँ, सच सच बताओ क्या बात है? हमें तुमसे कुछ काम है। अपने मतलब के लिए नमस्ते लाजो आंटी। अब बोलो क्या काम है? पहले तुम वचन दो कि जो हम कहेंगे वो तुम जरूर करोगे। ऐसा क्या काम है? पहले तुम वादा करो ना। तुम तो बड़ी स्वीट आंटी हो। अरे हट, अपने मतलब के लिए खुशामद करता है। तुम वादा नहीं करोगे आंटी तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे हम मर जाए। हाँ ना बाबा ना, मैं वचन देती हूँ तुम जो कहोगे करूंगी, बस चलो उठो। अब बोलो आंटी, काशी चाचा बहुत उदास रहते हैं, उनके पास कोई बच्चा नहीं। तुम जल्दी जल्दी एक बच्चा पैदा करके उन्हें दे दो ना। हुई माँ, बच्चा? क्यों आंटी? अरे धट, न शादी न ब्याह, कुंवारी लड़की को बच्चा कैसे हो सकता है? चलो भागो यहाँ से। रहने दे माँ, तू अंदर जाके बैठ। बच्चे, आंटी तुमने वचन दिया है, तुम्हें वचन पूरा करना ही होगा। आंटी जी, स्कूल की देर हो गई तो मास्टर जी हमें पीटेंगे, जल्दी से कह दो ना। हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। देखो हम तुम्हारे पापा पढ़ते हैं। बस बस। अच्छा बाबा,
बच्चा होगा तो तुम्हारे काशी चाचा को दे दूंगा। थैंक यू आंटी, लाजवंती। बच्चा जरा जल्दी पैदा करना है। काशी चाचा, अब तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए और कभी उदास नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अभी हुआ नहीं चाचा, पर बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा। बच्चा? हाँ, वो पगली आंटी है ना, उसने वादा कर लिया वो जल्दी जल्दी एक बच्चा पैदा करके तुम्हें दे देंगे। हम सबने जाकर उसकी मिन्नत की, हाथ जोड़े कि हमारा काशी चाचा बहुत दुखी है क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं। अब तो तुम खुश रहोगे ना चाचा? तुम रो रहे हो चाचा? तुम रोओगे? मैं इतना ख्याल है। जब हम उदास होते हैं तुम हमारे लिए खुशियां लाते हो, हमें हंसाते हो, हमारे आंसू पोंछते हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं तुम्हारे आंसू पोंछना? वचन दो, आज से फिर कभी नहीं रोगे। तुम्हें हमेशा हंसना चाहिए, तुम रोगे तो हम भी रो देंगे। तो रहा हूं। हंस रहे हो तो फिर आग में आंसू क्यों है? ये आंसू कहां है? ये तो पानी है, मेरी आंख में है ना, किसी बुढ़िया का सफेद बाल गिर गया था। नजर नहीं आ रहा फूफा? जो समा। अरे ये क्या हो गया चाचा? आगे खोलो, आगे खोलो। नहीं खोल रही, नहीं खोल रही। हाँ फूफा, फूफा। हाँ अरे ये जुल्मी क्यों जवानी को जलाता है साग में? ये तो जिंदगी का सहारा है लाजो। सहारे तो और भी हैं जिंदगी के, जरा आंख उठा के तो देख। फूल लेकर आई है? ला दीजा फूल। वो तीनों नटखट बच्चे हैं ना, उन्होंने जबरदस्ती बच्चा ले लिया मुझसे। काशी, अगर तेरा दुख और मेरा सुख एक हो जाए तो तू कभी उदास नहीं होगा। सचमुच पगली है। उई माँ, तूने मुझे पगली कहा? एकदम पगली। अप्पा, खाना। ओहो, हजार दफा कहा कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे टोका मत कर। तू खाना खा ले, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अब्बा को क्या जरूरी काम है, शराब पीना और जुआ खेलना। डैडी, क्या बात है डैडी, आप अभी तक नहीं सोए? तुम भी नहीं सोए बेटा? मैं कैसे सो सकता हूँ जब तक तुम नहीं सो जाओ। कम आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। सो जाओ, सो जाओ। स्लीप माय डार्लिंग सन, हरी विल कम इन योर ड्रीम, इन योर ड्रीम, इन योर ड्रीम। ओह माय गॉड। हेलो डार्लिंग, ये आधी रात को सैड सॉन्ग क्यों गा रहे हो? हैप्पी सॉन्ग गाने का चांस ही कहाँ मिला? मैं तो बच्चे को सुला रहा था। तुम्हारे गाने से नींद आएगी नहीं, भाग जाएगी। आई एम सॉरी, हमेशा तुम पर उल्टा ही असर होता है। तुम ड्राइंग रूम में जाके सो जाओ ना, मैं बच्चे को सुलाता हूँ। तुम्हें गाना गाने का इतना शौक है तो तुम ड्राइंग रूम में जाके गाना गाओ, बच्चे अपने आप सो जाएगा। बच्चे सो जाओ, तुम भी सो जाओ। क्या नहीं, उधर जाके अपने बिस्तर पे सो जाओ। नींद नहीं आती।
Come in, my dreams. Don't disturb. Show. Color straight. जिससे मुझे पता पड़ा ना, मैं तुम लोगों को धो के पी जाऊंगा। दूसरा जन्म चाहिए। नंबर वन? यस। हमको डबल पेमेंट क्या हो जाएगी? अरे इतनी क्यों पीता है? ये मेरे भी एक रुपए की प्लान। अब्बा। मैं पैक हो गया। अरे बेटा कौन करती हूँ ये जगह बच्चों के लिए अच्छी नहीं क्या करते बेटा? अरे खेलो ना यार। अरे खेलता हूँ ना। दो रुपए तीन। ये मेरी एक रुपए की प्लेट। बेटा तू कुछ पिएगा ठंडा? एक दो रुपए की प्लेट। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप घर चलिए। चलता हूँ चलता हूँ। चलो ना यार। चलता हूँ ना, इतनी जल्दी क्या? ये मेरी एक रुपए की प्लेट। दो रुपए की चाल और। ये मेरी एक रुपए की और प्लेट। ये दो की चाल और। अब्बा बस करो, घर चलो, खाना ठंडा हो रहा है। खाना खाना खाना, मुझे नहीं खाना, तू रहके खा ले, जा तू खा। अब्बा तुम्हारी वजह से मुझे भी रोज ठंडा खाना खाना पड़ता है, आज मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। क्या करता हूँ? किसकी चाल है? बादशाह, अब्बा खाने को दाल मांगते हैं तो मैं गोश्त पका के खिलाता हूँ, अब्बा कभी अंडा मांगते हैं तो मैं किसी की मुर्गी चुरा के ला के खिलाता हूँ। हम दोनों अब्बा का कितना काम करते हैं, लेकिन अब्बा सारा दिन तो तुम्हें चाबुक मारते हैं, और आज मुझे भी एक थप्पड़ लगा दिया, ये देख। लेकिन तू फिक्र ना कर बादशाह, आज हम दोनों अब्बा को सबक सिखाएंगे। अब्बा जब आएंगे ना, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। शाबाश। देख लेना अब्बा का रंग, इस हालत में खुद अपना खाना ले सकते हैं वो? आज तो वो भूखे सो जाएंगे। रहीम। अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या मुसीबत है। रहीम। तूने खाना खाया? मैं पूछता हूँ तूने खाना खाया कि नहीं? अरे जवाब क्यों नहीं देता? तूने खाना खाया? ये मेरा हुक्म है, मैं तेरा बाप हूँ। बाप बाप तुम जरूर हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है। रोज सवेरे उठ के तुम्हें मैं जगाता हूँ, रात दिन तुम्हारे लिए खाना मैं पकाता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें खाना मैं खिलाता हूँ, और तुम मुझे थप्पड़ मार दे हो थप्पड़। क्या बोलते, मैंने तुझे थप्पड़ मारा? नहीं बेटे, मैंने तुझे थप्पड़ नहीं मारा, अगर मारा तो तू मुझे मार। मैं मारा बेटे, मैं मारा बेटे। मुझे माफ कर बेटा। मैं अब्बा मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ। चलो बेटा बेटा, तू खाना खा। काशी चाचा, तुमने तो कहा था तुम कभी भी उदास नहीं होगे। मैं अपने बच्चों को गाना सुना रहा था, उनसे बातें कर रहा था। बच्चों से बातें कर रहे थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं। उनकी आत्मा यहाँ भटकती है, जब तक मैं गांव नहीं उन्हें चैन नहीं आता। हम मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकते हैं? हाँ, अगर प्यार हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं अपने पिताजी की आत्मा से बात कर सकता हूँ? अपने दिल के टुकड़े से कौन बात नहीं करेगा, तुम्हारे पिता की आत्मा है ना, भूत घर में भटकती होगी, जैसे मैं भटकता हूँ अपने बच्चों के लिए। अब्बा
तकदीर में कितनी जालिम है, किसी के माँ बाप छीन लेती है और किसी चाहता है आप सदा मेरे पास रहें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पिताजी। आपकी जान किसने ली है, भूत ने या किसी आदमी ने? अगर किसी आदमी ने आपकी जान ली है तो मुझे बताइए, मैं उसे बदला लूंगा, उसका खून कर डालूंगा। मार बराबर है, जा चलो। पिताजी चले गए पिताजी। तुम आज फिर किस लिए आए हो? तुमसे वही पुराना सवाल पूछने के लिए। तुमको हम लोगों पर दया भी नहीं आती? दया? नेकी राम में एक ही तो खासियत है कि वो कभी ही किसी से नेकी नहीं करता। मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूँ मुझे नहीं मालूम। श्यामलाल के मरने के बाद उसकी दुकान बेच दी गई थी, उससे जो रुपया मिला उसमें से भी तुम ले जा चुके हो। लेकिन श्यामलाल कीमती हीरे अपने घर में रखता था, वो कहाँ है? वो तो तुम्हें श्यामलाल ही बता सकता है। और श्यामलाल मर चुका है। उसे मारने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मुझे बातों से बेवकूफ मत बनाओ। तुम जानती हो कि वो हीरे कहाँ हैं, और मैं भी देखता हूं कि तुम हीरों को मुझसे कब तक छुपाती हो। अरे तू उठ के क्यों चला आया? तुझे तो बिस्तर में रहना चाहिए। लेकिन मौसी तुम किसके साथ बात कर रही थी? कौन था वो? वो एक भूत था। भूत यहाँ हमारे घर में? हाँ, अब वो चला गया। मैं वहां भूतघर में गया था, वहां तो कोई भूत नहीं था। कहां गया था तू? भूतघर में? हाँ मौसी, मैं पिताजी से मिलके आया हूँ। पिताजी से? हाँ, काशी चाचा कहते हैं कि हम लोगों की आत्मा से बात कर सकते हैं। मैंने पिताजी से बातें भी की। बातें की? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ मौसी, मैंने जोर जोर से पुकारा पिताजी को। पिताजी अंधेरे में से निकल के मेरे सामने आ गए। मैं बोलता रहा,
और वो यूं बैठ के सुनते रहे। मौसी, पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है उनकी। तुझ पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। नहीं नहीं मौसी, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, वो बड़ी खतरनाक जगह है, वहां भूत किसी वक्त भी आ सकता है। अब कभी वहां मत जाना, कभी नहीं। चल चल के अब सो जा। ए चुन्नी, फिर हाथ से खुजा रहा है, ये नीम के पत्ते काहे के लिए भरे हैं? लाजो, तू तीन दिन से इतना कुछ कर रही है मेरे लिए। तू बीमार जो है। आखिर तुम्हें भी कौन लगती है? ओए माँ, मैं तेरी कौन होती हूँ इतना भी नहीं मालूम? अरे अगर मैं तेरी कोई होती तो ऐसे बात करता मुझसे? मैं तेरे लिए कान झिलाती हूँ, मैं तेरी कौन होती? हाँ, मैं काशी चाचा को बता देना चाहता था कि मैंने अपने पिताजी के साथ बातें की, मगर वो तीन दिन से कहीं नजर ही नहीं आए, बंसरी की आवाज भी नहीं आई और घर का दरवाजा भी बंद है। तो फिर काशी चाचा अंदर होंगे? अरे नहीं यार, जितनी बार गया हूँ दरवाजा भी खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं। इसका मतलब है पगली आंटी ने काशी चाचा को बच्चा दे दिया, वो उसे लेके कहीं चले गए। पगली आंटी, पगली आंटी, लाजवंती, लाजवंती, तुमने काशी चाचा को बच्चा दे दिया? तीन दिन पहले तुम्हें हमें वादा क्या था? चलो चलो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम अब भी एक बच्चा पैदा करके हमको दे। ओए माँ, हटो। काशी चाचा बहुत खुश होंगे आंटी। वो तो बीमार पड़ा है। कहाँ? अपने घर। दरवाजा कैसे खोलूं बेटो? मेरे दोनों हाथ रंग से भरे हुए हैं, मैं खिलौनों को रंग रहा हूँ। हमें मालूम है चाचा तुम बीमार हो, हम तुम्हारी देखभाल करने आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं बीमार नहीं हूँ। झूठ मत बोलो चाचा, पगली आंटी ने बताया तुम बहुत बीमार हो। पगली के साथ तुम भी पागल हो गए हो क्या? वो तो कुछ भी कह सकती है, इसलिए तो लोग उसे पगली कहते हैं। अगर तुम ठीक हो चाचा तो आजकल गाते क्यों नहीं? तीन दिन से तुम्हारी बंसरी की आवाज हमारे कान में नहीं पड़ी। तुम ठीक हो तो गाना सुनाओ और बंसरी भी बजाओ। चुप क्यों हो चाचा? इसका मतलब है तुम बीमार हो। ये दरवाजा कैसे खोले? एक काम हो सकता है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, कवे जो अड़ा के नीचे कूद जाता हूँ, बाद में दरवाजा खोलता हूँ। फर्स्ट क्लास आइडिया। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आंख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारों? लाजू का क्या होगा? क्या माँ, क्या कर रही है रसोई में? खाना खा लिया कि नहीं? पहले काशी के लिए कांजी बना लूँ माँ। काशी? तुझे तो सारी दुनिया का फिक्र है, लेकिन तेरी फिक्र कोई नहीं करता बिटिया। यही तो मुसीबत है माँ, ये दुनिया बिन डॉक्टर दवा खाने के माफिक है, जिसमें रोगियों की भीड़ लगी हुई है, मगर कोई ये नहीं जानता कि उसके दुख की दवा कौन सी है। तेरी बातों का जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकते बेटी। आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। डार्लिंग, मैं हैंडसम लग रहा हूँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे प्यारे 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 जॉन, मेरे जान, नाउ आई विल बी गुड टू यू। Really? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
भी नहीं। फिर कब? बताती हूँ, मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ तो जॉनी डार्लिंग, प्रॉमिस करो दैट यू विल बी आल्सो गुड टू मी। जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करोगे। प्रॉमिस। यू नो माय फ्रेंड इज अबाउट टू कम नाउ, उसके सामने मैं तुम्हारी मिसेज नहीं। तो फिर क्या? मिस 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 देन हु गिव मी किस। ओके ओ गॉड, 12 साल के बाद लगता है कि रियली आई एम इन हेवन। अरे ये क्या कर रही हो? देखो डार्लिंग, तुम जरा जल्दी से गरम गरम चाय बना लो और थोड़े से पोटैटो चिप्स भी प्लीज। हाँ हंसते हंसते योर ऑनर, दिस इज माई वाइफ एंड हियर इज अ नाइफ, दिस इज माई लाइफ। मिस लिली, मिस्टर कुमार, आई एम वेरी हैप्पी आप आ गए। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने आने के लिए लेटर लिखा था, आपका लेटर भी इतना ही खूबसूरत था जितनी के आप, इसीलिए तो मैं फौरन चला आया। मैं इसलिए आया था कि सॉरी डार्लिंग, कितने कप चाय लाऊं? जॉन अब भी लाता हूं मैं। मिस्टर कुमार आइए आइए ना आइए। मिस लिली, आपको ये डार्लिंग करने वाला कौन था? ये हमारा बहुत ही पुराना बटलर है। मैं बटलर हूँ? बटलर? हाँ, मुझे बचपन से ही डार्लिंग कहता है। हाँ, ओ, आई सी। बैठिए, तशरीफ रखिए ना। मिस्टर कुमार, आप तो रियली बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। मैं आपसे यही कहने जा रहा था, मिस मालती जिसकी फोटो अक्सर आप हमारी मैगजीन में देखती हैं, यू देखने में खूबसूरत नहीं है। अच्छा? लेकिन फोटो में बड़ी दिखाई देती है। उसकी रीजन, मैं फोटो ऐसे एंगल से लेता हूँ कि चार चांद लगा देता हूँ। मिस लिली। मम्मी। मम्मी, आप तो मिस, मेरा मतलब है कुमारी है। हाँ हाँ, मेरी शादी कहाँ हुई है? ये तो मेरा छोटा भाई है। हाँ। स्कूल में पढ़ता है। बेटे को भाई? असली बात ये है मिस्टर कुमार कि इसे मेरी मम्मी से बहुत प्यार था, इसे आदत पड़ गई है, जैसे घर में आता है दो एक मर्तबा मम्मी 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 पुकार लेता है। क्यूट टॉम सिस्टर, सो स्वीट बॉय ही इज। जाओ बेटा होमवर्क कर लो, जाओ भैया जाओ। व्हाट नाइस गर्ल्स। गर्ल्स? अच्छा ठहर, अब भी मैं तुझे अपने कर्ज बताता हूँ। जरा पूछ लीजिए। ऐसे नहीं, यहाँ बैठ के। उधर नहीं, जरा मुस्कुराइए। ऐसे नहीं, आपके होंठ इतने रसीले हैं, जरा बंद कीजिए इनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चाहिए। फोटो खींचने हैं? अभी खींच पाता हूँ। हाँ मिस लिली, नाउ सेम ब्राइट स्माइल, ब्राइट स्माइल, द स्ट्रेटन अप, आई मीन दैट सेक्स अपील। हाँ दैट्स इट, नाउ डोंट मूव, स्टडी, थैंक यू। हाँ तो मिस लिली, एक और नहीं, सिंपल नहीं, प्रोफाइल जरा बाजू पीछे कीजिए, थोड़ा स्ट्रेटन अप, दैट सेक्स अपील। डार्लिंग चाय? थैंक यू। जॉन, जॉनी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जॉन? डार्लिंग तुम्हारा दोस्त किधर है? ओह, आप तो बिल्कुल ही नीचे गिर गए। उठिए उठिए उठिए। अरे पैर हटाओ इडियट। उठिए ना। मैं कैसे उठूंगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर कुमार। नॉनसेंस, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मुझे भी माफ कर दीजिएगा, चाय लीजिए ना। शट अप। आइए आइए चाय पी लें। आइए आइए मिस्टर कुमार बैठिए। आपको दिखता नहीं क्या? स्टूपिड ब्लाइंड, बैठिए बैठिए मिस्टर कुमार। थैंक यू, आप लोगों के लिए चाय ला रहा हूं। तुम चाय रख दो एंड गेट आउट। जाओ।
पीछे ना मिस्टर कुमार, पीछे। थैंक यू, थैंक यू। चाय अच्छी है ना? बहुत अच्छी, आपकी तरह मीठी। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मिस लिली, इफ यू डोंट माइंड, अब आपसे कुछ प्राइवेट बात हो जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेजरमेंट्स। ओह, 36, 26 एंड 36। 36, 26, 36, wonderful, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपको तो मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हारे। ओह हाँ मिस्टर कुमार, बचपन से मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको बहुत मदद कर सकता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मिस ली, आपके लिए और चाय लाऊं? नो, गेट अप, यू गेट अप। डोंट डिस्टर्ब जॉन। आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया। लेकिन आपने इंटरव्यू तो मेरा दिया ही नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय, बाय बाय। क्या कहा तुमने? मिस्टर कुमार की चाय में परगोले डाली? हां, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। क्या हुआ? देखो तुम किसी मर्द से मिलो ये मैं नहीं कहता। गधे के लिए मुझे पत्थर बनाया? कैसे भाई बनाया? गवाल भी खाली, जेब भी खाली, माल खत्म हो गया तो भागो यहाँ से। अबे ओ लंबू, ये शराब खाना नेकी नाम का है, तेरे बाप का नहीं समझा? अरे ये लाओ फिर, तो गर्दन ऊपर से उनके आ जाएगी तेरी। अरे अरे अरे, यहाँ झगड़ा करना मना है। तो क्यों कहा कि भागो यहाँ से? माल नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा माल नहीं? तुम्हारे पास तो इतना अच्छा घोड़ा है। ठीक है, घोड़े को गिरवी रखो और फिर खेलो। बादशाह नहीं, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरी और मेरे बच्चे की रोजी है। नहीं। अरे जिगर का टुकड़ा क्या चीज है दोस्त, इंसान की इज्जत सबसे बड़ी चीज है। इज्जत की खातिर बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी पत्नी तक दांव पे लगा दी थी, वो देखो। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ना महाराज, रस्सी तोड़ के भाग गया। आप बादशाह को मत ले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम मुझे ले जाइए, बादशाह को ले गए तो आप रोजी कहाँ से कमाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे? मैं आपके आगे हाथ। यार पीछे हट। बेटे मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब बादशाह। बेटे मैं बादशाह को तेरे लिए जरूर वापस ले आऊंगा, जरूर लाऊंगा बेटा। बेटा रोने, मैं जरूर बादशाह तेरे लिए ले आऊंगा। क्या हुआ दुनिया? देखो 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 देखो, घोड़े के बजाय तांगे को गधा खींच रहा है। मत कर रहा हूँ, मुझे करने दे बेटा। अब्बा सुना नहीं आपने, सब लोग आपको क्या कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं, मैं गधा हूँ, बहुत बड़ा गधा, वरना बादशाह को जुए में क्यों हारता? मैंने अल्लाह की कसम खाई है,
कि मैं गधा बनकर टांगा खींचूंगा, पैसे कमाऊंगा और बादशाह को वापस ला कर रहूंगा, बादशाह को वापस ला कर रहूंगा। रहीम, हे रहीम, 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 तू यहां बैठा है? हमें पता है तू क्यों उदास बैठा है। देख, हम तेरे लिए और तेरे अब्बा के लिए खाना लाए। ले ले ले। मुझे खाना नहीं, पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? ये ले, मेरे पास आठ आने, तू ले। मेरे पास भी है, ले ले, ये सब ले ले। मुझे 300 रुपए चाहिए। 300 रुपए? हाँ, मेरे अब्बा अपने आप को सजा दे रहे हैं। सुबह से घोड़े की जगह वो टांगा खींच रहे हैं। लोग कहते हैं कि टांगे को गधा खींच रहे हैं। जब तक बादशाह नहीं आता तब तक मेरे अब्बा को गधा बन के रहना पड़ेगा। एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? दरिया के पास एक साधु महाराज आया है। साधु महाराज जी के पास क्या होगा? इतनी सराख और एक लंगोटी। अरे नहीं नहीं, लोग कहते हैं वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बीमार को अच्छा कर सकते हैं, और अगर किसी का काम ना बनता हो तो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि उसका काम हो जाता है। अच्छा, हम उनके पांव पकड़ लेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो चलो चलो चलो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमें 300 रुपया चाहिए, नहीं तो घोड़े की जगह हर रोज रहीम के पिताजी को टांगा खींचना पड़ेगा। आप हमारी सहायता कीजिए। सहायता पीछे, पहले दक्षिणा। ये लीजिए। है ये क्या? मेरे पास भी अठन्नी है। हाँ हाँ हाँ, 300 रुपए पाने के लिए दक्षिणा कम से कम 30 रुपए चाहिए। तो फिर क्या करें? पैसे उठाएं और चलें। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बालक हो, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। बड़ी मेहरबानी महाराज। हम इस पत्ते पर एक मंत्र लिख कर देते हैं। जय शंकर, जंतर मंतर भूत भजंतर चली चलंतर अंतर बंतर तंतर भंतर जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। दो बच्चा आधी रात को दरिया किनारे पीपल के किसी बहुत पुराने पेड़ से 20 कदम के फासले पर दो हाथ जमीन खोद कर ये पत्ता संभाल कर उसमें गाड़ देना, फिर देखो क्या होता है। अच्छा। और हाँ, किसी को बताना नहीं, नहीं तो जंतर मंतर का असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू महाराज। नमस्ते महाराज। जय शंकर। उई माँ, अरे ओ कमबख्त, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? गधा कहेगा, चल भाग यहाँ से। सुना नहीं तूने? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बेशरम, ला दे मेरे कपड़े। आज तो तुझे कपड़े मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा।
आज के बाद गांव की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो जान से मार डालूंगा, समझा? चला जा यहां से। अपनी जान हथेली पर रख के फॉरन का माल कौन स्मगल करता है? मैं पुलिस की गोलियों के सामने कौन जाता है? मैं और दौलत सब तुम्हारी जेब में, क्यों मुझे भी दौलत चाहिए? दौलत या हवालात? बस बार बार मुझे पुलिस की धमकी मत दो, मैं भी तुम्हारे राज जानता हूँ। भूत घर में फॉरन का सोना तुमने कहां छुपा रखा है? हीरे कहां है? अफीम कहां है? याद रखो तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे। कुंदन, आज तुम अपने बॉस पर इतने मेहरबान क्यों? क्या बात है? आज एक मामूली फूल बेचने वाली की भी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थूक दिया। और तो और, वो दो कोड़ी का आदमी, खिलौने बेचने वाला काशी, सारी बस्ती के सामने जिसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा खून कर डालेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पास दौलत है। ओ, तो काशी ने तुम्हें मार डालने की धमकी दी? खैर परवाह मत करो, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगा। तो लाओ, अभी लाओ। तुम जानते हो कि हम स्मगलर लोग इतना माल अपने घर में नहीं रखते, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, आज आधी रात को तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ ऐश करो। आज तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, जाओ। थैंक यू बॉस। पागल हो गया है क्या? कहीं दूर नहीं, यही वो जगह है। देख, मैंने यहाँ निशानी भी छोड़ रखी है, ये पत्ता। Oh!
मुझसे बदले लेने आया है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हमने किया है, हमें काली चाचा को जाके बता देना चाहिए। मगर वो तो नशे में है। नेकी राम के खिलाफ किसने भी मुंह खोला तो हम तीनों मारे जाएंगे। इसी तरह तुम जानते ही नेकी राम को, मगर काशी चाचा राम राम तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, राम वादा करो, वादा करो तुम मेरा किसी से नहीं कहोगे, वादा करो, तुम भी वादा करो। मैं भी वादा करता हूँ। ए, ये तुम्हारा घर नहीं पुलिस थाना है, बताओ कत्ल कैसे हुआ? कौन सा बताओ, जल्दी बताओ। कुछ याद नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। इसे लगा मैं बंद कर दो, जल्दी ले जाओ। बस मेरा यही बयान है इंस्पेक्टर साहब। यहां पर साइन कीजिए। अच्छा, ये लीजिए। मैं जा सकता हूं? ओह यस, थैंक यू। अमीर, यहां पर दस्तखत करो। काशी दिखने में कितना शरीफ लगता था लेकिन निकला पूरा काटी। भाई, आदमी के दिल में क्या है बाहर से तो दिखाई नहीं देता। अरे सुनो भाई, काशी होश में आया? अरे भाई, होश में आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कत्ल तो उसी ने किया है। फांसी नहीं, उम्र कैद की सजा जरूर मिलेगी। क्या है तो भुगतना ही पड़ेगा। लाजवंती, कल सुबह काशी और कुंदन का झगड़ा हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, काशी ने मुझे बचा लिया, वरना वो मुआ मेरी इज्जत लेने पर तुला हुआ था। काशी ने कुंदन को कत्ल की धमकी दी थी? काशी ने कहा था फिर किसी लड़की को सताएगा तो उसे जान से मार डालेगा। Oh, I see. यहाँ पर दस्तखत करो। गवाह ने कि राम, तुम भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मकतूल कुंदन को तुम अच्छी तरह जानते थे? जी हाँ, मेरी उनकी पहचान ऐसी ही थी जैसे एक ग्राहक की दुकानदार से होती है। अक्सर वो मेरे शराब खाने पर आया करते थे। कत्ल की रात था, क्या कर रहे थे? जी दरअसल मैं शराब खाना बंद करने के बाद जरा घूमने का आदी हूँ, और हमेशा की तरह उस रात भी मैं नदी की तरफ घूमने चला गया था, मगर अचानक मैंने एक भयानक सी इंसानी चीख सुनी। मैं घबरा गया, मैं हड़बड़ा कर इधर उधर भागा और मैं फिर क्या देखता हूँ कि पुराने गिरजे के खड़ों में कुंदन मरा पड़ा है और साथ ही ये मुजरिम काशी हाथ में खून से लदा हुआ एक कुदाल लिए नशे में पड़ा 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 रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती, मुकदमे की कार्रवाई कल जारी रखी जाएगी। नहीं, हमें पुलिस थाने में जाके सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। देख राम, तूने हमारी दोस्ती की कसम खाई थी, यही तो मुसीबत है। ना मैं कसम तोड़ रहा हूँ और ना देख सकता हूँ जो जुल्म काशी चाचा के साथ हो रहा है। भगवान, काशी चाचा की मदद करना। रहीम, अरे बेटा चलो बादशाह। अब्बा, बादशाह। अपने बादशाह को अब ये कहीं नहीं जाएगा। घबराओ नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी मम्मी को ठीक करूंगा, लेकिन उनके सामने बराबर एक्टिंग करना, समझे? अच्छा डैडी। वकील साहब, टॉम को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपनी बीबी को सबक सिखाना चाहता हूँ। आपकी बीबी कहाँ है? अरे क्या बताऊँ, वो तो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बनना चाहती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई है,
वो क्या होता है? जिंदगी और मौत का सवाल है। काशी को किसी भी तरह से बचा लीजिए वकील साहब। लाजो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम अपने आदमी को इतना प्यार करती हो कि हर औरत को तुम्हारी तरह होना चाहिए। जी चाहता है कि मैं तुम्हारे आंसू, मेरा मतलब तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, मिस्टर काशी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या कहा? ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। माँ हो? तुम कैसे माँ बन सकती हो? तुम तो मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो। वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो। आई से गया। नहीं नहीं जॉन, नहीं। आई बेग ऑफ यू। मैंने कह दिया, चली जाओ यहाँ। जॉन, जॉन मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है, जाओ उसे सबक सीखो कि औरत क्या होती है। मैंने सबक सीख लिया है, मैंने सबक सीख लिया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज औलाद होती है। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। मुझे मिस इंडिया नहीं बनना, मुझे मिस यूनिवर्स भी नहीं बनना। जॉन जॉन प्लीज, मुझे एक गृहस्थी औरत बनने का मौका दो, मुझे माँ बनने का मौका दो जॉन। आज होश है तुम्हें? हाँ, हाँ, आज मुझे मालूम हुआ कि औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ममता होती है। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो जॉन। अगर तुम वादा करो कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रह सकता है। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ जॉन, मैं कसम खाती हूँ। इसको कुछ नहीं हुआ है। टॉम, गेट अप। टॉम, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू अच्छा है ना? एट लास्ट तुमने हम पर मेहरबानी करी थी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। कौन वो? तुम? डैडी के पास आई थी कि वो काशी चाचा का मुकदमा लड़े। और फिर तुम्हें डैडी ने क्या कहा? वो कहते हैं मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों? सारे सबूत काशी चाचा के खिलाफ हैं, वो नहीं बच सकते। इसका पाप तो हमारा सर होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो वो लोग काशी चाचा को हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन करें क्या? यही तो मैं तुम्हें बताना आया हूँ चाचा, खून तुमने नहीं किया। तुम निर्दोष हो चाचा, बिल्कुल निर्दोष हो। मैं तुम्हारा काशी चाचा हूँ इसलिए ना। नहीं, नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर। काशी तुम निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो। वो निर्दोष है। सफाई तो उस बात की होती है जिसके बारे में कुछ मालूम हो, कुछ पता हो। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। योर ऑनर, मुल्जिम का बार बार यही कहे जाना अदालत को गुमराह करने के लिए एक ढोंग है, एक चाल है। हुजूर, अगर वाकई मैंने कोई अपराध किया है
तो उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं, नहीं। जज साहब, कश्यप जी की तरफ से मैं सफाई पेश करूंगा। योर ऑनर, एक बच्चा क्या सफाई पेश करेगा? योर ऑनर, मुल्जिम के वकील की हैसियत से मुझे पेश होने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, क्या मैं इस बच्चे से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोसीड। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तुम काशीराम और इस कत्ल के बारे में क्या जानते हो? काशी चाचा निर्दोष है, उन्हें छोड़ दीजिए, काशी चाचा निर्दोष है। यह अदालत बतलाएगी। प्रोसीड। कत्ल के समय तुम वहां थे? जी जी हाँ। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं, टॉम और रहीम तीनों साधु बाबा के दिए हुए पीपल के पत्ते को जमीन में काटने गए। अब मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि जिस जगह कत्ल हुआ वहां से क्या क्या चीजें मिली है अदालत के आगे पेश की जाए। यह मालूम करने की कोशिश की गई थी कि बड़ के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता कहां से आया? योर ऑनर, कहीं से भी आ सकता है, हवा में उड़ के आ सकता है। और एल्युमिनियम की प्लेट? प्लेट तो हवा में उड़कर नहीं आ सकती। योर ऑनर, इस केस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, पीपल के पत्ते पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। जंतर मंतर चली जलंतर भूत भजंतर। योर ऑनर, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस केस। अब मैं अपने दोस्त से ये सवाल पूछूंगा कि पीपल का पत्ता, एल्युमिनियम की प्लेट और ये बड़ी कुदाल वहां क्यों थे जबकि छोटी कुदाल से काशी ने कुंदन का कत्ल किया है? इन सब चीजों के बारे में मेरे दोस्त ने तस्दीक की। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि खूनी कोई और है। योर ऑनर, तो फिर काशीराम के कमीज में खून के धब्बे कहां से आए? मैं बताता हूँ। जैसा काशी चाचा नशे में थे, वो कुंदन की लाश पर गिर पड़े, इसलिए उनके कपड़े खून से भर गए। लेकिन सही खूनी की कमीज हमारे पास है। तो कहां है वो कमीज? रहीम, नेकी राम जब कुंदन का कत्ल करके भाग रहा था तो उसने देखा कि उसकी कमीज पर खून के दाग है। उसने जल्दी से कमीज उतारी और जरा से फासले पर मलबे के डेरे के नीचे छुपा के भाग गया। उसे रोकिए, नेकी राम भाग रहा है, पकड़िए, वो खून ही है, कत्ल है, उसे पकड़िए। अरे तू किसके खिलाफ बोल रहा है? तू जानता नहीं उस जल्लाद को? कत्ल है, वो खूनी है। कहीं उसने सुन लिया तो वो तेरे भी खून का प्यासा हो जाएगा। तू नहीं जानता, तेरे पिताजी की जान भी उसी ने ली थी। मौसी, इस औरत को हिरासत में ले लिया जाए। भूत घर में अगर कोई भूत है तो वो नेकी राम और उसके साथी। मैं उनके काले धंधों से डरकर हमेशा राम को मना करती रही कि वो भूत घर की तरफ न जाए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हारे बहनोई श्यामलाल का कत्ल नेकी राम ने किया, जिस वजह से मिसेस श्यामलाल यानी कि तुम्हारी बहन का हार्ट फेल हो गया। इन सारी बातों के बावजूद तुमने नेकी राम के जुर्मों पर पर्दा डाले रखा। इसी कारण मैं चुप रही। नेकी राम मेरा सगा भाई है और भाई के प्यार ने मेरा मुंह बंद कर दिया। देखो, पुलिस के आने से पहले तुम और सुपर बनी ये सारा माल यहां से निकाल। यस बॉस। सुपर बनी, यस बॉस, कम ऑन। डर गई, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं राम को खत्म करूंगा। नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे राम को कुछ न करो। भैया, मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ।
मैं पहले कहा तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है भैया। ये बहन के प्यार की ही कहानी थी ना जो तुमने कचहरी में सुनाई थी। हट जाओ। नहीं भैया, नहीं भैया, तुम मेरी जान ले लो, ये चाकू मेरे सिर में उतारो, लेकिन मेरे राम को कुछ ना करो भैया, मैं तुम्हारे हाथ लो। में चलकर मदर मेरी क्या क्या प्रेयर करेंगे, वो बच्चों की प्रेयर हमेशा सुनती है, वो तुम्हारी मौसी को जरूर बचा लेगी। सच? हाँ। तो फिर जल्दी चलो। चलो। मदर मेरी ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली, देखो वो मुस्कुरा रही है। मेरी मौसी ठीक हो जाएगी, वो बच जाएगी। सच रानी, राम तुझे मिला था। हाँ आंटी, राम बड़े गुस्से में था, कह रहा था मैं नेकी राम से बदला लूंगा। अच्छा आंटी, मैं जाती हूँ। बेटे,
भले के लिए कहती हूँ, तू एक पल के लिए भी घर से बाहर ना जा, तू एक चिन्ह के लिए भी मेरे पलकों से ओझल ना हो। मामा, तेरा खून करने पर तुला हुआ है मेरे लाल। अदालत काशी को बाइज्जत रिहा करती है और नेकी राम को मुजरिम करार देती है। पुलिस को ताकीद की जाती है कि वो जल्द से जल्द मुजरिम को अदालत के सामने पेश करे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अदालत बर्खास्त की जाती है। तेरी आंखों में आंसू लाजो? लाजो नहीं, पगली कहो मुझे। आज मैं मारी खुशी के पगली हूं। नहीं लाजो, तू नहीं, मैं पगला हूं। यह आज मेरी समझ में आया, तू ठीक ही कहती थी। मैं बीते दिनों की परछाइयों में गिरा हूं, लेकिन अब मैं उन परछाइयों से निकल आया हूं। ये देख, यही तो मेरे बच्चे हैं। मेरे राम का क्या होगा? मेरे बच्चे को उस पापी से कौन बचाएगा? मैं जो हूं बहन जी, राम और मेरा बेटा, मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। वो नेकी जहां कहीं भी होगा, मैं उसे बदला लूंगा, उसे पकड़ ले आऊंगा। राम को लेकर आता हूं। राम, Oh!
पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए। आप राम के बारे में चिंता कर रही थी। राम तो हम सब का रक्षक है। आज इसने इस गांव से पाप का नाम तक मिटा दिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।